आज हम लोग एक फूड ब्लॉग करने जा रहे हैं। आई एम नॉट श्योर कि वो ओपन है या नहीं है। तो एक यहाँ पे है तोसई कर्नर है ना, शायद तोसई, हाँ उसका नाम है तोसई कर्नर। तो वहाँ पे ना डिफरेंट टाइप के डोसा और सेजुअन डोसा, पनीर डोसा, चीज डोसा, बहुत ही यम्मी डोसा मतलब होता है। वो है दमनसरा आइकिया के जो सिटिंग एरिया है ना, लॉबी वहाँ पे है। तो इवनिंग में उसका नज़ारा बहुत ही बढ़िया होता है, तो इसीलिए हमने सोचा आज वहाँ पे चलते हैं। तो मैंने बोला कि अगर जाएंगे तो फिर डिफरेंट टाइप का खाना भी ऑर्डर कर देते हैं और एक फूड ब्लॉग भी हो जाएगा। तो जो लोग आप केएल में हो, आप लोग ये ब्लॉग देख रहे हो, तो प्लीज़ वहाँ पे इंजॉय करना जाके। अगर खुला है तो आई विल अपडेट यू इन सम टाइम। अभी तो चलो फिलहाल हम ड्राइव करके चलते हैं टुवर्ड्स तोसई कर्नर। ये देखो, ये है कियान, जिसको मैंने एक घंटा पहले रेडी करवा दिया। तो फिर रो रहा है कि क्यों नहीं लेके जा रहे, क्योंकि बहुत धूप था यार बाहर, इसलिए हम थोड़ा लेट से निकल रहे हैं। और ये है मिस्टर हस्बैंड। तो चलिए फिर हम वहाँ पे मिलते हैं आपसे। पनीर चीज सेजुअन, वन सेजुअन मसाला डोसा, वन फ्रैंकी रोल, वन अमेरिकन चॉपसी। ये हमें ऑर्डर नहीं करना था, बट दे आर टेलिंग कि ये बेस्ट सेलर है। तो देखो क्या होता है, वैरायटी ऑर्डर किए हैं, लेट्स सी हाउ। अमेरिकन चॉपसी एक स्वीटर साइड पे है, तो कियान खा सकता है, इसलिए हमने ऑर्डर किया। देखो कियान को, आज यूजुअल अपने बेबी चेयर पे बैठा है। और ये है मिस्टर सत्या, मूड ऑफ है जिनका, ड्राइविंग करते हुए जब आ रहे थे। चलो, मेरी बीवी कभी सपोर्ट नहीं करती, बाद में बताते हैं फुल स्टोरी। चलो अभी वेट करते हैं खाने का। और यहाँ पे चल रहा है लाइव म्यूजिक। सेजवान डोसा है, सेजवान मसाला, नॉर्मल वाटर है, 1 मिनट अगर तेरे आई रेड लाइट हो गई। चॉपसी डोसा, सो चॉपसी इज इनसाइड दिस, यू कैन सी एंड सी या डोंट ओपन इट, इट्स ओके, इट विल फॉल डाउन। दिस इज सेजवान मसाला, दिस इज द सेजवान सॉस, देयर इज अ स्पेशल चटनी, चटनी, आई एम आल्सो गॉट दैट। सो गाइस, हम यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है
सेजवान मसाला और यहाँ पे है अमेरिकन चॉपसी और एक हमने ऑर्डर किया है पनीर चीज़ फ्रैंकी। तो ये जो चॉपसी है ये मोस्टली ऑन अ स्वीटर साइड, तो ये हमने ऑर्डर किया है मोस्टली इसी के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो वो मज़े से खा रहा है। तो चलिए मैं पहले सत्या का रिव्यू लेती हूँ। हाउ इट इज? नॉट बैड। नॉट बैड मतलब इतना अच्छा भी नहीं है क्या? नहीं अच्छा है बट इट्स नॉट लाइक वेरी वेरी गुड, इट ऐसा नहीं है like ये खाओ थोड़ा सा ये भी खाओ। ये थॉट है और उसने बोला था बहुत स्पाइसी भी है। चलो गाइस पहले तो मैं ये सेजवान मसाला आपको ट्राई करके पहले दिखा दूं। बहुत ही ज़्यादा गर्म है फ्रेश। मैं आपको उनका किचन भी दिखाऊंगी थोड़ी देर में। सही है, बहुत बढ़िया है। पनीर चीज फ्रैंकी, थोड़ी देर में हम बताते हैं। पहले तो मैं ये चॉपसी थोड़ा सा अच्छे से खा के देखूं। जैसे कि सत्या ने बताया नॉट सो बैड, अच्छा है, एवरेज है। मतलब अगर आप कंपेयर करोगे अदर शॉप्स बेस्ट है, बट हम यहाँ पे जितना खा रहे हैं और बाकी चीज़ें उसके मुकाबले ये एवरेज है। बट सेजवान इज द बेस्ट, फ्रैंकी खा के भी बताते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रैंकी, जो कि सत्या स्टार्ट करेंगे। ये पूरा तमिल स्टाइल हम खा रहे हैं, पूरा सब बिखरा हुआ है। उन्होंने ऑर्डर किया था। दिस इज द बेस्ट वन। खाओ फिर पता चलेगा। सो गाइस अभी हम लोग खाएंगे ये फ्रैंकी। फ्रैंकली स्पीकिंग आई हैव अ लॉट्स ऑफ होप, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने एक फ्रैंकी ऑर्डर किया था जो कि मस्त बना था। इट्स गुड, इट्स गुड बट सॉसी लग रहा है ज़्यादा। मतलब सॉस बहुत ज़्यादा लग रहा है उसके अंदर मुझे। तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे थोड़ा सा सॉस ज़्यादा लग रहा है उसके अंदर। हे गाइस, तो जैसे कि आपने देखा हमने दोसा ही कॉर्नर में बहुत सारे वैरायटीज ऑर्डर किए थे। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं तो यही बोलूँगी कि आपको अगर डोसा खाने हो तो ही वहाँ पे ऑर्डर करो। फ्रैंकी वगैरह अगर आप बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रैंकी लवर हो तो कर सकते हो। जैसे कि सत्या को ठीक लगा पर मुझे इतना भी अच्छा नहीं लगा फ्रैंकी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट येस, डोसाज आर रियली गुड। उसमें आपको बहुत सारे वैराइटीज़ मिल जाएंगे, जैसे कि आपने मेरे वीडियोज़ में देखा पाव भाजी, सेजवान, फिर सब कुछ वेज में बहुत सारे वैरायटीज आपको मिलेंगे। तो आप एक लस्सी या तो कोक या तो चाय के साथ उसको एंजॉय कर सकते हो। तो ये था मेरा तोसोई कॉर्नर का रिव्यू, तोसोई कैफ़े एक्चुअली नॉट कॉर्नर। सो तोसोई कैफ़े का रिव्यू जो कि है दमन सरा। थोड़ा सा एड्रेस बता दो। लोटस या आईकिया दमन सरा के पास है, तो एड्रेस क्या बोलूं, मुतियारा दमन सरा जलन PJU 7x4। मतलब कैसे हमने टेस्को में पार्किंग करके हम कैसे गए थे? टेस्को में आप पार्क कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ, ये टेस्को की पार्किंग है। आई थिंक वीकेंड्स में 2 या 3 रिंगेट रहता है, इट्स वेरी चीप। तो यहाँ आप पार्क करके बस मॉल के अंदर जाने की जरूरत नहीं, पार्किंग के साइड में ही कनेक्टिंग एरिया है, स्पेस है 2 मॉल के बीच। हाँ। वहाँ आप जाके तो मॉल में है कर्व मॉल और टेस्को के बीच में सेंटर में। तो यस दिस इज अ वेरी गुड
कैफे, आप जरूर ट्राई करना। अगर आप कोविड के टाइम में ऐसे मतलब घर बैठे बैठे बोर हो गए हो तो जरूर ट्राई करना। ये बहुत ही भीड़ होती है, आपको थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा, नहीं तो टेबल भी नहीं मिलती, आपको वेट करना पड़ता है। तो ये बहुत ही टेस्टी है, आपको वैरायटी पाव भाजी डोसा मतलब बहुत सारे वैरायटीज आपको वहाँ पे मिलेंगे, तो आप जरूर ट्राई करना। मैसूर मसाला डोसा जो हम बैंगलोर में बहुत खाते थे, पर लास्ट टाइम हमने वो खा लिया था, तो इस बार कुछ और ऑर्डर करना था, तो अभी तो हम आएंगे और भी आएंगे। तो मैं रेकमेंड करूँगी ये प्लेस आपको, अगर आप एक वेजिटेरियन हो और आपको नॉन वेजिटेरियन भी हो तो भी, अगर आप डोसा लवर हो तो प्लीज डू कम एंड ट्राई देयर डोसास। मोर देन डोसास द गाइज आर रियली ग्रेट, यू नो, आपको रिकमेंड करते हैं कि ये खाओ वो खाओ, सो दैट्स दे आर वेरी हेल्पफुल एंड फ्रेंडली, तो आप जरूर ट्राई करना। तो सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय।